क्या करती हैं, ये बनाते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियंस, लोग उनको हिंदू समझते रहे, जब मरते हैं ना तब उनका पता जब दफनाए जाते हैं। यही काम ब्रजेंद्र सिंह ने भी यही काम कर रहा है, नरूला भी यही काम कर रहा है, एक देओल है वो जट सिख अपने को कहता है और जट सिखों को कन्वर्ट कर रहा वो। दोस्तों मार्केट में एक नया शब्द आया है क्रिश्चियन लोगों के लिए, हमें ईसाई क्रिश्चियन धर्मांतरण कराने वाले और तरह तरह के पता नहीं कैसे कैसे नामों से बुलाया जाता है, क्योंकि हम जीवित और सच्चे परमेश्वर को मानते हैं इसीलिए। लेकिन अभी मार्केट में एक और नया शब्द आया है और आपने भी कहीं ना कहीं इस शब्द को जरूर सुना होगा, ये शब्द है क्रिप्टो क्रिश्चियन, मतलब ऐसे क्रिश्चियन जो कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं बदलते हैं और सरकार को जानकारी नहीं देते हैं कि हम ईसाई बन गए हैं, नाम हिंदुओं वाला ही यूज करते हैं, पहचान हिंदू वाली ही रखते हैं और सरकार के जो बेनिफिट्स होते हैं हिंदू लोगों के लिए, जो आपको पता है, जो दाल चावल फ्री में राशन दिया जाता है राशन कार्ड पर, ये सब चीजें उनको मिलती रहे, इसीलिए वो सरकार के सामने इस बात को उजागर करते ही नहीं है कि वो आप क्रिश्चियन बन चुके हैं। इसीलिए ऐसे क्रिश्चियन लोगों को क्रिप्टो क्रिश्चियंस दोस्तों ये लोग कहने लगे हैं, जो विरोधी लोग होते हैं। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक वीडियो दिखाने वाला हूं, बहुत यूनिक ये वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं जरूर वीडियो को लाइक कर दें। तो आगे बात करने से पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। यहां पे ये लोग इनकी जो परसेंटेज, अगर आप सेंसेक्स खराब की परसेंटेज देखोगे, परसेंटेज इनकी वही रहेगी, 1.5% रहेगी, 2% रहेगी, इसमें बदलाव नहीं होगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। मगर हो क्या रहा है, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियंस, लोग उनको हिंदू समझते रहे, सीताराम जचूरी है या आंध्र प्रदेश के राजेश्वर रेड्डी है, लोग उनको ये सोचते रहे, मगर वो किस तरीके से उनका परिवार किस तरीके से कन्वर्ट करता था लोगों को, जब मरते हैं ना तब उनका पता जब दफनाए जाते, यही काम ब्रजेंद्र सिंह ने भी यही काम कर रहा है, नरूला भी यही काम कर रहा है, एक देओल है वो जट सिख अपने को कहता है और जट सिखों को कन्वर्ट कर रहा वो, और इसी तरीके से नरूला जो है वो और सिख कम्युनिटी के अंदर ऐसे काम करता है, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाते हैं, नाम हिंदुओं वाले रखते हैं, जो हिंदुओं को बेनिफिट, जो दलितों को बेनिफिट होते हैं उनके बेनिफिट ना खत्म हो जाए, इसलिए ये अपना डाटा सरकार में नहीं देते, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब किसी ने कन्वर्ट होना है तो उसको अपना एफिडेविट देना पड़ता है, एफिडेविट देंगे तभी जाके उसके सेंसस के अंदर पता लगेगा कि कितने ईसाई बढ़ गए, कितने कौन बढ़ गया, ये अपना डाटा वहाँ पे नहीं देते और ना ही उनकी जो उनको मिलती हैं, जितनी भी इनको सरकार की तरफ से इनको बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट ना खत्म हो जाए, इसलिए उनका नाम वही रहेगा जो सिखों वाला नाम होगा और हिंदुओं वाला नाम होगा, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन तैयार कर रहे हैं और इसकी संख्या पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा है। अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया है, इसमें जो व्यक्ति है ये पंजाब का व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने, आप जानते हैं, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को और अपोस्टल अंकुर नरोला जी को, उनको लेकर के और भी जितने भी पादरी हैं उनको लेकर के एक बात इस वीडियो में बोली है कि ये लोग जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये लोग क्रिप्टो क्रिश्चियंस बना रहे हैं, लोग तो ईसाई बन जाते हैं, उनका धर्मांतरण हो जाता है, लेकिन सरकार के सामने वो आज भी हिंदू बने रहते हैं, उनके नाम हिंदू वाले ही होते हैं। इन लोगों को दोस्तों बहुत आग लगती है इस बात से। अगर इनसे पूछा जाए कि क्या किसी कानून के अंदर ये चीज़ कंपलसरी है कि हम अगर किसी धर्म को मानते हैं तो हमारा नाम वैसा ही होना चाहिए, क्या हिंदू लोग जब गोल्डन टेम्पल में घूमने जाते हैं तो क्या उनका भी नाम ये लोग बदलते हैं, क्या उन लड़के और लड़कियों या पुरुष या महिलाओं के नाम के पीछे से उनके सरनेम को हटा करके सिंह या कौर कर देते हैं क्या ये लोग? बिल्कुल भी नहीं। क्या उनको ये लोग सिख वाला नाम दे देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब किसी भी धर्म में आप चले जाएं, किसी भी गुरुद्वारे में आप चले जाएं, किसी भी मस्जिद में आप चले जाएं, आपको अपना नाम नहीं बदलना है, लेकिन जब आप चर्च में जा रहे हैं तो आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बदलेंगे तो इसका मतलब आप क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए हैं। ये दोस्तों इन अनपढ़ लोगों की कैलकुलेशन है, और ऐसे ही अनपढ़ लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए ये न्यूज नेशन वाले पहुंच जाते हैं। जब गुरुद्वारे में गोल्डन टेंपल में जाने से किसी का नाम नहीं बदलता है, सरनेम नहीं बदलता है, तो चर्च में भी आने से किसी का नाम और किसी का सरनेम नहीं बदला जाएगा, और ना ही ये कोई कंपलसरी है। और किसी सिख को, किसी हिंदू को जबरदस्ती चर्च में पकड़ कर नहीं लाया जाता है, उनको गाड़ियों में भरकर नहीं लाया जाता है, बल्कि वो लोग अपने इच्छा से, अपने मन से वहां पर आते हैं। इतनी बड़ी भीड़ जो आप देखते हैं चर्चेस के अंदर, उनको जबरदस्ती ऐसे बिठाया नहीं जा सकता है। आप एक बात बताइए, अगर इतनी बड़ी भीड़ को जबरदस्ती कोई लेकर के आएगा तो क्या जो वो पास्टर के पास बॉडीगार्ड हैं, क्या वो इतनी बड़ी भीड़ को रोक पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो भीड़ पास्टर के साथ भी बुरा कर सकती है, उस चर्च के अंदर तोड़फोड़ भी कर सकती है, लेकिन तब करेगी जब उसको जबरदस्ती लेकर के आएंगे, उसको झूठ बोल करके लेकर के आएंगे, जब उनको झूठ बोल करके तरह तरह के बहानों से
जबरदस्ती से नहीं लाया जाता है तो वो लोग ये काम करेंगे ही क्यों चर्च के अंदर। बल्कि जब वो लोग चर्च के अंदर आते हैं तो वो लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते हैं जो लोग देते हैं, और फिर उसके बाद उनके जीवन में भी काम होता है, तभी वो लोग चर्च से जुड़ते हैं। मुझे भी आज खासे साल हो चुके हैं सेवकाई में, मैंने देखा है लोगों को अगर उनके जीवन में कोई काम ना हो तो वो बिल्कुल भी चर्च में आना पसंद नहीं करते हैं। लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि हमारा काम हो जाए। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, इक्का दुक्का परसेंट ऐसे लोग होंगे जो लोग बिना काम बने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं, उनका काम चाहे बने चाहे ना बने, उन लोगों के जीवन में एक ही बात होती है कि मरना यीशु मसीह में है और जीना भी यीशु मसीह में ही है। पर ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं, और अगर इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आती है तो वो किस लिए और कैसे आती है ये बात तो सोचने वाली बनती है। वहाँ पर कुछ होता होगा तभी तो जाती होगी, वरना इतने लोग तो मूर्ख नहीं हैं। इसके अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इस भीड़ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर आपको लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे वकील, बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे सिंगर आते हैं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। आप इसको एम्बेसी में भी दे सकते हैं। आप कभी भी देश से बाहर जा रहे हो परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके एम्बेसी में सबूत दे सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक पास्टर हैं। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, और आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप भी हमारी फैमिली का दोस्तों हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दें।